नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक स्टोन ओल्ड बर्मा रूबी के बारे में। प्रिय साथियों, ओल्ड बर्मा का जो मानक है वह धारण करना, वह पहनना बहुत सारे व्यक्तियों का सपना होता है जो कि आम तौर पर पूरा नहीं हो पाता। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो नेचुरल ओल्ड बर्मा रूबी वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नो ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट लैब आईजीआई जीटीएल जीआईए या किसी बड़ी लैब से सर्टिफाइड, और कोई बड़ी लैब लिख करके दे कि यह नो ट्रीटमेंट है, नेचुरल है, ऐसा स्टोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यदि ओल्ड बर्मा का नेचुरल माणिक बड़ी लैब से सर्टिफाइड होकर के मिल भी जाता है तो कीमत बहुत ज़्यादा है। आखिरकार ओल्ड बर्मा माणिक की माइन का इतना ज़्यादा कीमत क्यों है, इतना रेयर यह रत्न क्यों माना जाता है, और इसके मुकाबले साउथ अफ्रीका माणिक और इंडियन माणिक का रिजल्ट कितना है, माणिक रत्न धारण करने की विधि, इसके लाभ, उसकी पहचान के बारे में बात करूंगा। किस दिन, किस समय और किस धातु की अंगूठी में माणिक धारण करना चाहिए, और माणिक धारण करने के उपरांत कौन सा मंत्र व्यक्ति को नियमित रूप से जाप करना चाहिए, इस विषय में बात होंगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़र्क बताऊंगा साउथ अफ्रीका माणिक और ओल्ड बर्मा जो माइन है उस माणिक, दोनों माणिक में। प्रिय साथियों, आजकल न्यू बर्मा माणिक के नाम पर ट्रीटमेंट वाला माणिक बेचा जाता है, कलर्ड किया हुआ माणिक बेचा जाता है। यदि आप न्यू बर्मा माणिक बेचने वाले व्यक्ति से कहो कि हमें आईजीआई जीटीएल या किसी बड़ी लैब से सर्टिफाइड करा और इसमें लिखवा करके दे कि नो ट्रीटमेंट है, तो व्यापारी के पसीने छूट जाएंगे, गारंटी से कहता हूँ। ओल्ड बर्मा माणिक की पहली खूबी कि नेचुरल होता है, नो ट्रीटमेंट होता है। स्क्रीन पर आप देखिए, 10-5 पीस मेरे पास भी है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी जो चिकनाई होती है, ओल्ड बर्मा माइन का जो माणिक है, जो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो चमक होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वह श्रीलंका के नीलम पुखराज की बराबरी की होती है। फर्क इतना है कि नीलम का रंग नीला, पुखराज का पीला, और ओल्ड बर्मा जो माइन का रूबी है उसका लाल, गाढ़ा लाल या गुलाबी होता है। लेकिन चीज तीनों लगभग एक ही हैं। कुरुंदुम जाति का पत्थर है, वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, अंग्रेजी में कहते हैं कोरोंडम, यह कुरुंदुम शब्द का अपभ्रंश है। कुरुंदुम पत्थर की एक जाति होती है। बाकी साउथ अफ्रीका का माणिक या इंडियन माणिक कितना भी महंगा और अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें श्रीलंका के नीलम और पुखराज के बराबर की चिकनाई, ट्रांसपेरेंसी, शाइनिंग, चमक, कलर नहीं आ सकता है। आँख को देखने से पता लगता है कि सामने कोई चीज़ है, चीज़ अपने मुंह से बोलती है। ओल्ड बर्मा का जो माणिक है उसकी क्वालिटी इतनी हाई फाई होती है कि व्यक्ति की आंखें, उसका हृदय, उसकी अंतरात्मा बता देती है कि सामने चीज़ क्या रखी है। आप स्क्रीन पर आलंकन कीजिए, ये ओल्ड बर्मा है, ये साउथ अफ्रीका है, और ये इंडियन माइन का माणिक है। तीनों क्वालिटी आपको दिखाती है। और जब भी आप चूंकि माणिक के अंदर सबसे ज्यादा कलर ट्रीटमेंट आता है, लिखवा करके लो, बड़ी लैब से लिखवा करके लो, नो ट्रीटमेंट, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नेचुरल रूबी। तो प्रिय साथियों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको
माणिक रत्न की जो भेद हैं वह बताने का प्रयास किया। अब कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। माणिक रत्न ये रिंग फिंगर में धारण किया जाता है, तांबे की या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। माणिक रत्न रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक सूर्य की होरा में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत में स्नान करा करके धारण करना चाहिए। माणिक रत्न धारण करने के उपरांत आपको मीठा दलिया या मीठे चावल बनाकर गाय को या पशु पक्षियों को अवश्य खिलाने चाहिए, यह बेहद शुभ रहता है। माणिक रत्न धारण करता को समय समय पर गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद को गेहूं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। और यदि आप मंत्र साधना में विश्वास रखते हैं और आपके पास में मंत्र साधना के लिए समय है, टाइम है, तो आप गायत्री मंत्र की एक माला भी नियमित रूप से जाप करें। रोजाना नहीं कर सकते तो पर संडे प्रत्येक रविवार को करें। जो क्वालिटी ओल्ड बर्मा की है, आज भी पूरी दुनिया में किसी माइंड के रोगी में वो क्वालिटी पाई नहीं जाती है। मैं कामना करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।